लालू यादव, ये पहला ऐसा लोकसभा है कि लालू यादव के परिवार का जो है केवल एक ही आदमी चुनाव जीतता है। वो अपनी बेटी को जब वो चुनाव नहीं जीता पाए छपरा में, तो उनके बारे में क्या बात करना। राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना वजूद खो रहा है, और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, एक बड़ा सवाल हो। उनकी बात को कितना सीरियसली ले सकते हैं। सर क्या कहेंगे, आज चुनाव जीत के पहली बार आए हैं? केवल दो महीने का सवाल है, क्योंकि मैंने यहाँ जितनी बातें कही वो सारी बातें सही। मैंने कहा हेमंत सोरेन जी जेल जाएंगे, मैंने इसी दुमका में कहा हेमंत सोरेन जी जेल गए। मैंने कहा कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, वो चले गए। मैंने कहा चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, वो हो गया। मैंने कहा चंपई सोरेन जी को कल्पना सोरेन जी जब विधायक होंगी तो हटा दी जाएंगे, वो भी हटा दी गई। फिर से जो है परिवारवाद में हेमंत सोरेन जी बन गए। तो मैं आपको एक और भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, हर हालत में चुनाव दो ढाई महीने के अंदर हो जाएगा, और नया साल होते होते 2024 समाप्त होते होते यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसके बाद जितना भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जिस कारण से उन्होंने तंग किया है, उन सारे चीज़ों का हिसाब किताब होगा। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है, जुलाई आ गया लेकिन बसंत जी नहीं आया। पसंद जी मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे उस पे परेशान है ना। चंपई सोरेन के साथ जो हुआ क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि झारखंड दो पठार से बना, छोटा नागपुर और संथालपुर। छोटा नागपुर का आदिवासी सोरेन फैमिली को लाइक नहीं करता, वो मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है। एक झारखंड पार्टी के नाते, आदिवासी के नाते वहाँ पार्टी है, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, यदि आपको ध्यान हो तो गुरुजी मुख्यमंत्री रहते हुए ही तमाड़ का चुनाव जो है वो हार गए थे। मुख्यमंत्री चुनाव हार सकता है, ये तमाड़ में हुआ। तो वो जो दर्द में उनको छोटा नागपुर के आदिवासी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो उनको ये लग रहा था कि चंपई सोरेन शायद मुझे अगले चुनाव में जो है पटक देगा, या अगले चुनाव में छोटा नागपुर के इतने विधायक आ जाएंगे कि मैं विधायक दल का नेता भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि सत्ता तो जानी ही है। इसलिए चंपई के ऊपर विश्वास था और उसको हटा दिया उन्होंने। चंपई का हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और छोटा नागपुर का आदिवासी इसका बदला लेगा। आलमगीर आलम का जो जांच हुआ लगातार है, आपको पता है कभी भी पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि आदिवासी की राजनीति करने वाले जो लोग हैं 36% से आबादी घटकर 26% हो गए। लैंड जिहाद चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो आ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि वो लैंड आदिवासी से शादी करके बांग्लादेशी मुसलमान उसमें बस रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। इसको माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने, सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जो है इसको संज्ञान लिया है। रघुवर दास जी के समय हम NRC लागू करना चाहते थे, उसके लिए भी चिट्ठी हमने लिखा है, और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, न्यायालय पर हमारी आस्था है, जैसे आज ही हम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि NRC लागू जल्दी से जल्दी संथालपना में होगा। सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम खत्म करेंगे, चिन्हित करेंगे, कम से कम नहीं भी कुछ तो। हमारे संज्ञान में 20,000 आदिवासी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ मुसलमानों ने शादी की है और उनके जमीन पर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारा अगला मुहिम होगा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को, या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की जमीन, क्योंकि ये SPT एक्ट है, आदिवासी की जमीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की जमीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी जमीन है, और जो मुसलमान बच्चा हो गया वो आदिवासी नहीं है। तो सारे आदिवासियों के जमीन को जो है हम फॉरफिट करेंगे, उसके परिवार को देंगे, और आदिवासी के जमीन पर किसी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे, ये हम कानून बनाएंगे। पूरे मामले में बाबूलाल जी ने SIT की गठन की मांग की थी, क्या लगता है कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी? अब बाबूलाल जी को ही मौका मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर के बाद, उनको दूसरे से मांग करने की क्या आवश्यकता।